गुजराती विषय इयत्ता चौथी कैपिटल मॉडर्न स्कूल तर्फे मी निधि टीचर आज तुम्हाला पेपर सॉल्यूशन करून दाखवणार आहे। इयत्ता चौथी विषय गुजराती। चर्चाला बाळमित्रांनो पाहूया। पहिला प्रश्न, नीचेना प्रश्नोना जवाब माटे आपेल विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी जवाब लखो। जवाब पर तमारे साचानी टीक करवानी अथवा निशानी करवानी रहेशे। प्रश्न हता सात, तमारे सात मार्क्स माटे। पहलो प्रश्न सात मार्क्स माटे। तो पहलो प्रश्न हतो, बजारनो वीडियो कोण बनावतो हतो, आर्यन, रिद्धिश, तृप्ति के पछी हर्षद भाई। तो उत्तर हतो आपणो आर्यन, बजारनो वीडियो आर्यन बनावतो हतो। बीजू, अमृत काकाना बळदनुं नाम शुं हतुं, पर्वत, अवकार, गणेशा के पछी गोलू। तो खूं नाम हतुं, अमृत काकाना बळदनुं नाम पर्वत हतुं, तो आपणे पर्वत पर टिक करी अमृत काकाना बळदनुं नाम पर्वत हतुं। शकराभाईनी लाड़ी कोनी हती, सॉरी शाकभाजीनी लाड़ी कोनी हती, तो शकराभाई, प्रकाशभाई, शरद भाई के पछी मंगेश भाई। तो शाकभाजीनी लाड़ी शकराभाईनी हती, तो आपणे शकराभाई पर निशानी करी। पांच, चौथुं छे, सोमा भाई पासे केटला बळद हता, सोमा भाई पासे बे, दस, चार के एक पण नहीं, तो हुं हतो उत्तर बे। तो सोमा भाई पासे बे बळद हता, तो आपणे बे पर टिक करी छे। पांचमू, सोमा भाईए खेतर में सेनी वावनी करी, सोमा भाईए खेतर में बाजरा, घऊ के कपास के पछी जुवार, सेनी वावनी करेली बाजरानी। सोमा भाईए खेतर में बाजरानी वावनी करी। छ, बिल्ली ने क्या जवुं हतुं, बिल्ली ने दिल्ली जवुं हतुं, मुंबई जवुं हतुं, कल्याण के पछी कड़ोदरा, तो बिल्ली ने दिल्ली जवुं हतुं। तो चलो आपणे आगळनो प्रश्न जोईए। आगळ जुओ बाळको, बिल्ली कपड़ा सीववा कोणी पासे गई। तमारो सातमो प्रश्न छे, बिल्ली कपड़ा सीववा कोणी पासे गई, दर्जी पासे, वाणंद पासे, कुंभार पासे के पछी वणकर पासे। तो बिल्ली कपड़ा सीववा माटे दर्जी पासे गई। जोई सको छो मित्रों आपणे टीक करेली छे। प्रश्न क्रमांक बे, नीचे आपेला विधानों साचा के खोटा, तेनी सामे साचा होय तो साचानी निशानी अने खोटा होय तो खोटानी निशानी करो। आ प्रश्न बाळ मित्रों तमारे पांच मार्क्स माटे छे। एक छे, पहलू, बिल्ली ने दिल्ली जवा माटे तैयारी करी। तो बिल्लीए क्या जवा माटे तैयारी करेली हती, दिल्ली जवा माटे। तो आ विधान केवू छे बाळ मित्रों, साचू। बीजू, काड़ियो अने गोरियो आ बन्ने बळद सोमा भाईना हता। जोयू, काड़ियो अने गोरियो कोना बळद हता, सोमा भाईना। तो आ वाक्य पण केवू छे, साचू। त्रीजू, सुतार माटीनी वस्तुओ बनावी आपे छे, सुतार माटीनी वस्तुओ बनावी आपे ना, सुतार लाकड़ानी वस्तुओ बनावी आपे। तो आ विधान केवू छे, खोटू। चलो चौथों जोईए, गाड़ी चलावनार ने ड्राइवर कहेवाय छे, तो गाड़ी चलावनार ने हुं कहेवाय, ड्राइवर। तो आ वाक्य केवू छे, साचू। तो आपणे साचानी निशानी करी। कुंभार, पांचमू, कुंभार लाकड़ानी जुदी जुदी वस्तुओ बनावी आपे छे, कुंभार लाकड़ानी नहीं बन माटीनी वस्तुओ बनावी आपे। तो आ विधान केवू छे बाळ मित्रों, खोटू। तो आपणे खोटानी निशानी करी ने। तो चलो आगळनो प्रश्न जोईए। प्रश्न क्रमांक तीन, नीचेना वाक्यो वाँचो अने लखो। आ सवाल, आ प्रश्न तमारे त्रण मार्क्स माटे हतो। तो पहलो प्रश्न हतो, आर्यन मोबाइल में वीडियो बनावे छे, आर्यन शू करे छे, मोबाइल में वीडियो बनावे छे। तो बस तमारे आ वाक्य वाँचू, ते सारा अक्षरों में, सारा अक्षरों में तमारे अहींया लखवानुं हतुं, आर्यन मोबाइल में वीडियो बनावे छे। हवे बीजू जोईशुं, सकराभाईनी शाकभाजीनी दुकान हती, सकराभाईनी शाकभाजीनी दुकान हती। आ रीते आपणे स्वच्छ अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लखवानुं हतुं। त्रीजू, आपणे दिल्ली जईशुं फरवा माटे। तो जोईए, आपणे दिल्ली जईशुं फरवा माटे। बस आवी रीते तमारे जोई जोईने लखवानुं हतुं अने वाँचवानुं हतुं। तो चलो जोईए આગળનો પ્રશ્ન। પ્રશ્ન ક્રમાંક ચાર, પ્રશ્ન ક્રમાંક ચાર છે, નીચે આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ લખો। એ હતે તમારે ચાર માર્ક્સ માટે। તો જરા જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, સોમાભાઈનો કયો બળદ ગુમ થયો હતો? તો સોમાભાઈનો ગોરિયો બળદ ગુમ થયો હતો। તો શું છે એનો જવાબ? સોમાભાઈનો ગોરિયો બળદ ગુમ થયો હતો। હવે જોઈએ બીજો પ્રશ્ન, લાકડાથી વસ્તુઓ બનાવે એને શું કહેવાય? લાકડાથી વસ્તુઓ બનાવે એને સુતાર કહેવાય। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, લાકડાથી તૈયાર થયેલ વસ્તુઓના નામ લખો। લાકડાથી કઈ કઈ વસ્તુઓ તૈયાર થાય? દરવાજા, ખુરશી, ટેબલ, રમકડા ઇત્યાદિ। તમે જોયું જ હશે, લાકડાથી તમે જ
बीजी वस्तुओ ध्यान में आती हो तो तमे ई वस्तुओ पण बनावी शको छो। चौथु छे मुरब्बो खावा केटला उंदर चाल्या। मुरब्बो खावा चार उंदर चाल्या। केटला उंदर गया हता मुरब्बो खावा? चार। तो मुरब्बो खावा केटला उंदर चाल्या तो लखवानु हतु मुरब्बो खावा चार उंदर चाल्या। तो चलो बाळको हवे जोईए आगळनो प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 समानार्थी शब्दो लखो। ये तमे आपेला हता 3 માર્ક્સ માટે। તો પહેલો હતો પર્વત, એનું આવશે ડુંગર, દેહ શરીર, મિત્ર દોસ્ત, બરાબર। ચલો એક વખત ફરી જોઈ લઈએ, પર્વત ડુંગર, દેહ શરીર, મિત્ર દોસ્ત, આ હતા આપણા સમાનાર્થી શબ્દો। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન ક્રમાંક 6 વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો, એ હતા તમારા 3 માર્ક્સ માટે। તો પહેલો હતો વિષ, વિષનું વિરુદ્ધાર્થી શું આવશે? અમૃત। બીજું છે સવાર, સવારનું વિરુદ્ધાર્થી સાંજ। ત્રીજું છે ઉપર, તો ઉપરનું વિરુદ્ધાર્થી શું આવશે? નીચે। શું આવશે? નીચે। વિષ્ણુનું વિરુદ્ધાર્થી અમૃત, સવાર સાંજ, ઉપર નીચે। આ રીતે આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પણ પૂરા કરી લીધા। આ હતું આપણું સ્ટેન્ડર્ડ 4th ગુજરાતી વિષયનું પેપર સોલ્યુશન। થેન્ક યુ બાળમિત્રો।